दोस्तों, ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण की फाइटर मूवी का ट्रेलर कुछ ही देर पहले रिलीज हो चुका है और ट्रेलर एकदम एक्शन से भरपूर है। एक्शन इसमें जो स्पेशल दिखाया जा रहा है वो एरियल एक्शन, एरोप्लेन, जेट का एक्शन बहुत ही बेहतरीन नेक्स्ट लेवल पे। आईमैक्स 3D वर्जन में भी ये मूवी रिलीज हो रही है। तो ट्रेलर किस तरह से है, इसको लेट ना करते हुए जल्दी से बात करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत में ही ऋतिक रोशन जी की आवाज में एक बेहतरीन डायलॉग सुनने को मिलता है और वो कहते हैं, फाइटर वो नहीं है जो अपना टारगेट अचीव करता है, फाइटर वो है जो उनको ठोक देता है। तो इस तरह से डायलॉग बाजी पहले ही जबरदस्त तरीके से सुनने को मिलती है और उसके बाद जिस तरह से ट्रेलर आगे बढ़ता है तो इनके इंट्रोडक्शंस होते हैं, तो जिस तरह से आपने देखा होगा हेलमेट पहने हुए नजर आते हैं जेट्स में, तो इनको पहचानने के लिए हेलमेट्स पे नाम लिखे गए हैं। पैटी जो है ऋतिक रोशन है और ऊपर नाम लिखा होगा मिनी, जो कि दीपिका पादुकोण देखने को मिलेंगे, और अनिल कपूर जी भी इसमें है तो उनका नाम रॉकी होगा। तो ये तीन लोग मेन लीड्स में देखने को मिल रहे हैं और एक बेहतरीन टीम है जो कि दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन और बाकी के जो करण ग्रोवर, दूसरे भी स्टार कास्ट देखने को मिले हैं। तो अनिल कपूर जी कहते हैं कि आप लोग इंडियन फोर्स के टॉप एविएटर्स हो, आपको हैंड पिक करके बहुत ही बेहतरीन टीम बनाया गया है, तो आप एक दूसरे को जल्दी से जान लो और जंग में इंटरपर्सनल रिलेशन ही काम आएंगे, इस तरह से वो कहते हुए नजर आते हैं। और जिस तरह से ट्रेलर आगे बढ़ता है, दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन जो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो एक जेट से इनकी एंट्री होती है। दीपिका पादुकोण देख के हैरान परेशान हो जाती है और कहती है, क्या ये ईगो है? तो वो कहते हैं, नहीं, कॉन्फिडेंस। तो इस तरह से इन दोनों की मुलाकात होती है और दीपिका पादुकोण उनको राइड लेने के लिए भी, जम्मू घुमाने के लिए भी कहती हैं। तो दीपिका पादुकोण से वो कहते हैं, ऋतिक तुम्हारा एक्स यहाँ से था? तो वो कहती है, नहीं शायद, पर यहाँ से नेक्स्ट टाइम हो जाए। तो इस तरह से वो हिंट देती हैं। तो इस तरह से इन दोनों की मुलाकात होती है और बहुत ही बेहतरीन लुक्स हमें देखने को मिलते हैं, ब्यूटीफुल लोकेशंस देखने को मिलते हैं बैकग्राउंड स्क्रीन पे, और साथ ही साथ म्यूजिक भी नेक्स्ट लेवल पे है। विशाल शेखर जी की म्यूजिक है और सिद्धार्थ आनंद जी के डायरेक्शन में ये मूवी बनी है, जिन्होंने ऑलरेडी वार और पठान मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो फाइनली इसके बाद एक बहुत ही बड़ा टेरर अटैक होता है, तब से थोड़ा मूवी में सीरियसनेस आ जाती है और ये टेरर अटैक में 40 जवान डेथ हो जाती है। तो इस तरह से ये हमें देखने को मिलता है और उसके बाद जो बेहतरीन फोर्स रहती है, यानी कि ऋतिक रोशन की, दीपिका पादुकोण, ये सब लोग तैयार हो जाते हैं पलटवार करने के लिए। और पिछले 50 सालों से सरकार ने उनको पलटवार नहीं किया है, फाइनली बताना पड़ेगा कि बाप कौन है, इस तरह से ये भी डायलॉग सुनने को मिलता है। उसके बाद जेट्स हवा में देखने को मिलते हैं, उनका एक्शन देखने को मिलता है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे डिज़ाइन किया गया है। एरोप्लेन्स का एक्शन, रैकेट्स निकलते हैं और फायरिंग होती है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जो जेट्स देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे ऋतिक रोशन की शायद जीत होती है और वो तिरंगा लहराते हुए भी हमारे देश का देखने को मिलते हैं। और उसके बाद विलन की आवाज़ आती है, विलन का फेस रिवील होता है, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे डेडली विलन का लुक देखने को मिल रहा है और नया विलन हमें देखने को मिल रहा है। तो आपने इनको पहले कभी देखा है तो कमेंट करके बताइए। देखिए अब जिस तरह से विलन का डायलॉग बाजी सुनने को मिलता है, ईंट का जवाब पत्थर से देने आए हो, इस तरह से विलन की आवाज़ आती है और ऋतिक रोशन कहते हैं, नहीं, धोखे का जवाब बदले से, इस तरह से कहते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद जो टेररिस्ट रहता है, जो विलन रहता है, वो कहता है, टेरर अटैक नहीं जंग होगी, इस तरह से वो कहते हैं। तो बेहतरीन डायलॉग बाजी के साथ एक्शन भी नेक्स्ट लेवल पे देखने को मिला है। सॉन्ग्स ऑलरेडी इस मूवी से रिलीज हो चुके हैं और भी सॉन्ग्स के लुक्स ट्रेलर में देखने को मिले हैं, जो कि आगे रिलीज होने वाले हैं, इसकी अपडेट भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। बेहतरीन डायलॉग्स के साथ एक और डायलॉग भी लास्ट में सुनने को मिलता है, वो है, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं, पर वतन से हसीन सनम नहीं होता, हीरो में लिपट कर सोने में लिपट कर मरते हैं कहीं, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। इस तरह से ऋतिक रोशन की बेहतरीन आवाज़ में डायलॉग भी सुनने को मिलते हैं और अनिल कपूर जी भी कहते हैं, तुम्हारी ईगो के वजह से इंडियन फोर्स को भुगतना पड़ता है, लेकिन इस बार तुम भी भुगतना पड़ेगा, इस तरह से अनिल कपूर जी की आवाज़ में भी हमें डायलॉग सुनने को मिलते हैं। तो बेहतरीन लेवल पे एक नया ट्राई करने के लिए सिद्धार्थ आनंद जी ने एरोप्लेन यानी कि एरियल एक्शन को डिज़ाइन किया है। फाइटर में और वॉर में तो एक्शन भर भर के देखा ही है आपने, फाइटर मूवी में एरियल एक्शन हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि 25 जनवरी को फुल मूवी सभी के नज़दीकी सिनेमा थिएटरों में रिलीज़ होने वाली है। सिर्फ हिंदी में ये मूवी रिलीज़ हो रही है और पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ओपनिंग डे का कितने करोड़ का होगा, 50 करोड़ के ऊपर कितना जाएगा या और भी 60 करोड़ को टच करेगा, ये देखना लायक है, क्योंकि ऋतिक रोशन जी की फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल पे और ऊपर से दीपिका पादुकोण, ये दो लोग की केमिस्ट्री हमें पहली बार स्क्रीन पे देखने को मिलने वाली है। इसको भी देखने के लिए फैंस ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और फाइनली आज जो ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, इसका बस और भी बढ़ चुका है मूवी को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण की फाइटर मूवी के लिए आप देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं, ये भी कमेंट करके बताइए। वीडियो अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए।